आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आप सबको जानकारी होगा कि 3 अक्टूबर 2018 को जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अब सभी नियोजित शिक्षकों को फैसले का इंतजार है। आपको बता दें कि समान काम समान वेतन को लेकर के एक बड़ी अपडेट दिनांक 19 नवम्बर 2018 को भी समान काम व समान वेतन को लेकर के केस लिस्टेड नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बता दें कि समान काम व समान वेतन को लेकर के कहीं भी जो है इस पर जिक्र नहीं है। समान काम समान वेतन को लेकर के कहा जा सकता है कि 19 नवंबर 2018 को भी सुनवाई नहीं होने वाली है। ऐसे में बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि एक अपडेट ये भी आ रही है कि 21 नवंबर को समान काम के बदले समान वेतन मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, विभिन्न विभिन्न शिक्षक संगठनों से मिली जानकारी के मुताबिक ये खबर आ रही है कि अब जो है समान काम समान वेतन को लेकर के 19 नवंबर को नहीं बल्कि 21 नवंबर को समान काम व समान वेतन को लेकर के फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही विभिन्न विभिन्न शिक्षक संगठनों की माने तो उनका जीत समान काम व समान वेतन को लेकर के सुनिश्चित है, क्योंकि अब तक की जो भी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और माननीय जस्टिस अभय मनोहर सप्रे एवं उदय उमेश ललित की खंडपीठ में जो लगातार सुनवाई जारी थी उस समय बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने का पूरा उम्मीद एवं भरोसा भी था। अब ऐसे में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और इसके साथ साथ बार बार जो है बिहार के शिक्षा मंत्री एवं विभिन्न विभिन्न मंत्रियों के द्वारा जो बयान दी जा रही है कि बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में जीत सुनिश्चित है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इससे बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना तय। हालांकि अभी तक जितने भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से या फिर पटना हाई कोर्ट से आया है वो नवंबर में ही आई है। आपको बता दें कि नवंबर लास्ट तक जो है सभी फैसला आ चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि समान काम समान वेतन पर नवंबर में फैसला आएगी, लेकिन नवंबर के लास्ट माह तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना।